विधानसभा 2024 के बिगुल जो है बज चुका है। चुनाव जो है 20 नवंबर को होने हैं महाराष्ट्र में, और इसकी जो तैयारियां है राजनीतिक पार्टियों द्वारा जैसे शुरू है, उसी तरह लोग भी अपनी सरकार चुनने के लिए तैयार है। उन्हें कौन सी सरकार इस बार राज्य में चाहिए ये हम जानते हैं। हम फिलहाल आए हैं नागपुर शहर के उत्तर नागपुर एरिया में, जो कि जरीपटका परिसर कहलाता है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार वो कौन सी सरकार चाहते हैं, क्या बताओगे? बीजेपी की सरकार। क्यों बीजेपी? क्योंकि वो लोग जब पसंद करते कांग्रेस सरकार, तो हम क्यों नहीं करेंगे बीजेपी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, सबको हक होता है, लेकिन क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आज इतनी तरक्की है, जहाँ कोर्ट में पहले नीचे से 10 रुपए देना पड़ता, आज वहाँ पर बोलते भैया पैसे अपनी जेब में रख, कोर्ट में एक नंबर है, हॉस्पिटल में जाओ, सेंट्रल जेल में जाओ, जहाँ जाओ साफ सफाई, अच्छा काम दिख रहा तो अच्छे को अच्छा ही बोलेंगे ना, गलत लोग गलत वाली बातें करेंगे। किसी सरकार, कौन सी सरकार चाहते हैं राज्य? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज तक के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा है, और भारतीय जनता पार्टी है आज के तारीख में सबको लेके चल रही है, गरीब हो अमीर हो सबको लेके चलती है। अगर जो सरकार है उसमें मतभेद है, फूटी हुई है, वो इतनी फूटी हुई है, डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, तो डबल इंजन की सरकार विकास करेगी ही करेगी, और अभी तक करती आई है। आज हरियाणा में उसने काम किया और जीत के आ गई। ये बीजेपी सरकार है जहाँ पर अनाज बिकता है, राशन का अनाज बिकता है, और कांग्रेस के जमाने में राशन मिलता नहीं था लोगों को। ये देखो डिफरेंस देखो कितना है, लोग आज गरीब अनाज बेचते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। हमारे साथ हम देख रहे हैं कि ये पूरा सब्जी मार्केट का एरिया है जरीपटका परिसर का, आज लोग जो है बोल रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की सरकार चाहिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उन्हें किसकी सरकार चाहिए। आपको राज्य में किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी। क्या सब सुख है उसके अंदर, कोई दुख नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी सरकार चाहते हो सर राज्य में? बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी? वो काम अच्छा कर रही है ना मैडम जी। अच्छा, 2-3 काम गिनवाइए। अच्छे 2-3 काम, रोड अच्छे बन गए हैं, महंगाई में थोड़ा कमी आई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार ठीक है कि नहीं, और हमारे बारे में सोचती है, और भी अभी लाडली उसने निकाली, महिलाएं खुश हो गई है उसके लिए। तो और भी कोई और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हम कि उन्हें कौन सी सरकार इस बार राज्य में सर अभी चुनाव का दौर है, आप राज्य में किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की। क्यों बीजेपी? हम बीजेपी के हैं उसका। तो ये बीजेपी के, इसलिए वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनकी भी राय हम जानेंगे। चुनाव का दौर चल रहा है, जगह जो है तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की चल रही है, प्रचार चल रहा है, और लोग भी तैयार है अपना मतदान देने के लिए, बस 20 नवंबर की जो है वो वेट कर रहे हैं। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? जो काम करेगा उसकी सरकार होना चाहिए। अच्छा, तो किसकी? कांग्रेस की। अब क्यों नहीं लगा सकता मैं? कांग्रेस तो क्या करे सब। तो कांग्रेस से कौन देखना चाहते हो यहाँ का उम्मीदवार? आप कौन चाहते हो कि यहाँ से विधायक? अभी तो कौन खड़ा, मेरे को ऐसा आइडिया नहीं है, तो मैं बोल सकता नहीं। आप किसकी सरकार चाहते हो? सरकार सब अच्छी है, जो आ जाए सब अच्छे है। बीजेपी अभी चल रहा है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? काम अच्छे हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं? लोग तो बोल रहे हैं अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण हटा दिया जाएगा, ऐसा? वो पता नहीं है, लेकिन हमने जो काम देखे रोड रस्तों के, कंस्ट्रक्शन के, सब अच्छे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कौन सी सरकार चाहते हो राज्य में? राज्य में हम बीजेपी सरकार चाहते है। क्यों ऐसा? क्यों बीजेपी? भाजपा ने बहुत काम किया ऐसा लगता है मुझे। कौन से काम किए हैं? बहुत काम किए, मतलब एक काम नहीं हजारों काम है, बता रहा मुश्किल है, इतने काम किए उन्होंने। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आएंगी तो बहुत सारे जो नए कानून होंगे या संविधान को बदल लिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब भी बातें चल रही है,
तो कुछ भी होगा तो हमारे भले के लिए होगा, जनता के भले के लिए होगा। उनका जो डिसीजन है मुझे लगता है कि वो जनता के भलाई के लिए करते हैं, इतना ट्रस्ट है मुझे बीजेपी पे। तो हमने देखा कि यहाँ जनता की राय क्या है, और भी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, राज्य में किसकी सरकार आनी चाहिए। तो चलिए मेरे साथ, अब हम आए हैं कमाल चौक के मार्केट में, यहाँ भी हम लोगों से जानेंगे उनकी राय, वो किसे चाहते हैं राज्य में, राज्य की सरकार किसकी चाहते हैं। क्या बताओगे दीदी, चुनाव का दौर शुरू है, किसकी सरकार चाहते हो राज्य में इस बार? बीजेपी। अच्छा काम करती है वो, अभी मुझे इतना आइडिया नहीं, अच्छा काम करती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। आइए आइए, आप किसकी राज्य किसकी सरकार चाहते हैं? और मोदी ज्यादा, इधर देखिए, मोदी ने ज्यादा पैसा लूट रहे हैं। अभी ये सिलेंडर बढ़ गया, ये तेल का पीपा बढ़ गया, 2000 का पीपा हो गया। ये गरीब लोग क्या करेंगे, गरीब लोग क्या खाएंगे? इसीलिए कम करो, ये पगार वाले को पैसे मिलते हैं, हम धंधे करेंगे तो क्या करेंगे, उपास ही मरेंगे क्या? ये मोदी ने ज्यादा बढ़ गया, और ये भी इसके चुनाव दे गए, इसको भी लाके लेने दिए, इसको निवड़ने के बाद राज्य में तो इसका राज चल रहा है। किसका चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी चाहिए? कांग्रेस, ये तो बीजेपी, कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस बताइए, कांग्रेस कौन है? मोदी कौन है, क्या ये है कांग्रेस का? कांग्रेस को बताए भाई, महंगा दे रहे हैं या क्या करेंगे, कम करो सब, ये मोदी कर रहे हैं। भैया आप किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में, क्या बताओ? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों बीजेपी? हमारे को सब कुछ व्यवस्था हमारी अच्छी है, सब कुछ है, सब बात में हमारे लिए अच्छा है, वो सिर्फ लाडली बहन का ना पैसा ना मिले, उससे अच्छा जो खाने की चीज है यही सस्ती कर दे, बहुत अच्छी बात है। कौन सी सभी व्यवस्थाएं दी है अच्छी आपने बताया? हमारे लिए सब व्यवस्था अच्छी दी है, धंधे से व्यवहार से सब बातों से अच्छा किए। गरीब इंसान है, ठेला लगाते करते उसमें चलते रहता है, लेकिन जो ना वो कम कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो खाने की चीजें कम करते तो बहुत अच्छी बात है। राज्य में हमें तो बीजेपी, बीजेपी अभी काफी मतलब डेवलप हो रहा है, कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। तो लाडली बहन दे दी है तो डेवलपमेंट हो गया ऐसा लगता है? डेवलप नहीं, वैसे डेवलपमेंट नहीं है, मतलब वो कुछ सुविधा है वैसे दे रहे हैं, और तो बहुत कुछ किया है उन्होंने। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे हम उनकी राय, और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे उनकी राय, राज्य में कौन सी सरकार चाहिए। हमें पता है कि राज्य में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, क्या बताओगे कौन सी सरकार चाहते हो राज्य में? मैं किशोर ठाकरे, कमाल चौक का आभारी संघ अध्यक्ष। इस समय महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले है उसमें परिवर्तन निश्चित करने वाली है जनता, क्योंकि ये देवेंद्र फडणवीस शिंदे जो सरकार है इससे सरकार उब चुकी है, महंगाई बेरोजगारी से जनता तंग आ चुकी है। अब राज्य में जनता नया विकल्प खोज रही है, और महाविकास आघाड़ी राज्य में फिर से सत्ता काबिज करने वाली है। तो आपने कौन सा विकल्प चुना? हमने महाविकास आघाड़ी का विकल्प चुना है, और निश्चित रूप से इस महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में जनता परिवर्तन करेगी और महाविकास आघाड़ी को बड़े पैमाने पर चुनकर देगी। क्योंकि 2.5 साल का जो कारोबार है इन्होंने जो किया है, एक तो इन्होंने दूसरों की पार्टियां फोड़ी है, 50-50 खोके देकर रामदारों को पार्टी का पाला बदला इन लोगों ने, परिवारें फोड़े इन्होंने, पार्टियां फोड़ी, आमदार फोड़े, महंगाई बढ़ाई जिस तरीके से, बेरोजगारी बढ़ाई, महाराष्ट्र के जो उद्योग है वो गुजरात चले गए, और गुजरात के इशारे पर अगर महाराष्ट्र की सरकार अगर चलती होगी तो ये महाराष्ट्र की मराठी जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। और भी देखते हैं कि लोगों की राय क्या है,
कोई विकल्प चाहता है, नया विकल्प ढूंढ रहा है, परिवर्तन की राजनीति होगी ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखना, ये तो पता चलेगा बाद में ही कि क्या होता है। क्या बताओगे, राज्य में चुनाव होने वाले हैं, कौन सी सरकार चाहते हो आप? कांग्रेस ही करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। बीजेपी से बहुत चांस मिल गया, कांग्रेस को भी चांस मिलना चाहिए। कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए, इसीलिए बहुत ज्यादा हो गया ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। पहली बात होगा ना, होगा ना, कम ज्यादा तो होगा ही वो तो, लेकिन होगा ही ऐसा कुछ नहीं। पहले भी तो कांग्रेस ने चलाई ना, अभी तो चलाएंगे, वो तो ज्यादा सीनियर है। और आप वोटिंग करते हो? हाँ। किसकी सरकार चाहते? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? इसके पहले भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कम था एज कम्पेयर टू बीजेपी, तो अगर कांग्रेस आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कम होगा आपको लगता है? तो इस बार ऐसा लगता है कि राज्य में परिवर्तन होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी राय।